अस्सलामुअलैकुम जी, अस्तोनी स्टोरी टेलिंग सिटिंग पर आपको खुश आमदीद। आज हमारे साथ जिनको हमने दावत दिया स्टोरी टेलिंग के लिए, उनमें लीना नासिर है, सारा सुहेल साहबा है, फरीद साहब है और आमना भट्ट साहब। आमना भट्ट साहब वो पीछे एक स्क्रीन है, उस पर बड़ी HD स्क्रीन है, उस पर नजर आ रही। ठीक, तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा लीना नासिर को, वो हमें आपको स्टोरी सुनाना चाह रही है और वो बिस्मिल्लाह करें। बहुत शुक्रिया कौसर साहब। जैसा मेरे मुझे जो अभी तक अंदाजा हुआ है वो ये कि ये हस्तोनीस के ज़ेरे एहतमाम एक किस्सा खानी की महफिल सजती है हर हफ्ते यहाँ पे। कौसर साहब माशाल्लाह ये महफिल सजाते हैं। मैंने कौसर साहब से इजाज़त मांगी जब कौसर साहब ने इसके लिए दावत दी, बड़ापन है इनका, तो मैंने इनसे इजाज़त मांगी कि अगर मैं यहाँ अपनी कहानी सुनाना चाहूँ, तो इन्होंने इजाज़त दे दी, बहुत मशहूर हूँ मैं इनकी। कहानी का नाम है वर्थ वाइल ट्रांजेक्शन और ये मैंने लास्ट ईयर रमज़ान में ही लिखी थी, सो मुझे बड़ी रेलेवेंस लग रही थी, इसलिए मुझे लगा कि ये शेयर की जा सकती है यहाँ पे अभी। वर्थवाइल ट्रांजैक्शन। अभी शाबान का निसफ ही हुआ होता है कि लाहौर की सड़कों पर रमज़ान के आसार दिखने लगते हैं। जगह जगह गदागरों के झुंड कोई चौराहा, कोई ट्रैफिक सिग्नल, कोई हस्पताल, कोई खरीदारी का मरकज, किसी जगह मांगने वालों से मुफर नहीं। और मसला सिर्फ यहीं तक रहता तो शायद कोफ्त संभाली भी जाती। बात तो अब यूं है कि सवाली सवाल कम करता है, धौंस से जिज ज्यादा करता है। अब तो फिर बाकायदा रोजे शुरू हो गए थे, एक तो मई की चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से दफ्तर की चिखचिख और फिर ये जारा की इफ्तार पार्टीज के चौंचले। नींद यूं भी पूरी नहीं होती, पेट खाली और फिर सड़क पर यह गदागरों की गुंडागर्दी। जैद ने झुंझला कर फिर से हॉर्न बजाया, इशारे पर रुकी अगली गाड़ी वाले ने शीशा नीचे गिराया और हाथ बाहर निकालकर नाजेबा इशारा किया। इसने जवाबन एक नंगी गाली बकी, इशारा जैसे इसी गाली का मुंतजर था। झपाक से सब्ज हो गया, जैद का पांव एक्सेलरेटर पर जा टिका। स्पीड ही तो जिंदगी है। वलीद चचा लाहौर छोड़कर एबटाबाद में क्यों बनवास लिए बैठ गए? सारे खानदान में हर बड़ी महफिल में यह कहानी दावत के मेन्यू का हिस्सा समझी जाती है। पिछले 16 साल से इस मेन्यू आइटम का जायका हर किस्सा गो के तखयलाती जौक और हमदर्दी के रुख के साथ बदलता रहता है। कोई भुने उल्लू खा लेने के नुकसानात बताता, कोई दादा की कमाई किसी बद्दुआ का जिक्र करता, कोई अपना सबर दादी पर पढ़ने की दाद मांगता। गर्जिया जितने मुंह उतनी कहानियां। फाखरा चची कहती थी उन्होंने अक्सर उस लड़की को जर्मनी में ट्रेन में देखा है जिसकी वजह से वलीद चचा दरबदर हुए। आयदा पुप्पो कहती चची सदा की झूठी हैं, वो लड़की गुरबलोई में ही रहती है। आला तालीम याफ्ता नौजवान किस तरह किसी लड़की के पीछे जोक ले बैठा। जारा को यह सारी कथा को रेतने में बड़ा मजा आता। सस्पेंस से ही तो जिंदगी में रोमांस पैदा होता है। इस्लामाबाद तब्दीली के बाद ये मेरा पहला रमजान था। हफ्ता तो जैसे तैसे काट ही लेता, वीकेंड के लिए अलबत्ता में खासा पुरजोश होता। शहर से दूर, खोखले कहकहों और मसनूई सोशल सर्कल्स से परे, फितरत के करीब। जुम्मे की सुबह सपहर ड्राइव के दौरान मैं सोच कर ही सरशार हो गया। मजे की बात बताऊं, मैं जिस दोस्त के पास रहने जा रहा था, आप में से कोई भी उसे नॉर्मल ना समझे। स्टैनफोर्ड का ग्रेजुएट एक कस्बा नुमा शहर में जूतों की दुकान खोलकर बैठ जाए तो आप क्या समझेंगे। बंदा लेकिन कमाल था। दुकान के ऊपर 3 कमरों का फ्लैट था। एक कमरे में खुद रहता था, एक में कुतुब खाना बना रखा था और तीसरे बड़े कमरे में 4 बच्चे रहते थे। बच्चे हमा वक्त दुकान के मुलाजिम भी थे, इसके शागिर्द भी और ले पालक औलाद भी। फजर के बाद सुबह 9 बजे तक कुतुब खाने में हिसाब और अंग्रेजी का मदरसा चलता था, इसके बाद दुकानदारी। जोहर से असर के दरमियान दुकानदारी का वक्फा होता था और वह इन सबको लेकर कोई इस्लामी अदब पढ़ता। मेरा तारुफ इब्ने अरबी और मार्टिन लिंग से इन्हीं बच्चों के सबब हुआ। करीम की उम्र 17 बरस थी और इसने इस साल मैट्रिक का इम्तिहान देना था। नवीद 15 बरस का था, शहजाद 14 का और काशिफ 11 साल का। सबसे छोटे काशिफ को छोड़कर बाकी 3 बच्चे ने सड़क से लावारिस हालत में उठाए थे। नवीद और शहजाद ने तो आंख ही इसकी गोद में खोली थी, नौजायदा थे जब इसे फजर से वापसी पे कूड़े के ढेर से मिले थे। करीम का बाप मर गया था और सुतेली माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने आशना के साथ भाग गई थी।
इन तीनों की कुल कायनात जुफ्त सास की यही छत थी। काशिफ अलबत्ता लावारिस ना था, फकीरों का लड़का था। इसकी माए से साथ लेकर म्यूनिसिपल कमेटी की डिस्पेंसरी के बाहर भीख मांगती थी। मेरे दोस्त की आते जाते नजर पड़ती रहती। एक दिन वो इसकी माँ से सौदा कर आया, महाना वजीफा लगा दिया, बच्चे को कफालत में ले लिया। काशिफ के माँ बाप के हवाले अब महाना वजीफा जाता रहता था और अब वो 2 साल से यहाँ इन सब बच्चों में था। सबसे होशियार यही था। मैं सोचकर मुस्कुरा दिया। अब की बार मैंने इसके लिए बच्चों का स्पेस इंसाइक्लोपीडिया लिया था। अंग्रेजी में भी चालू नहीं हुआ था लेकिन फिजिक्स की तरफ इसका बहुत रुझान था। खलीद के हाथ ना लगता तो अब तक क्या बन गया होता। ऐसे कितने ही बच्चे हैं इस मुल्क में, सड़कों पर रुलते, हमारी आंखों के सामने खाक होते हैं। हम अपनी डर्बी रेस में अंधाधुंध दौड़ी चले जा रहे हैं। सफर का होश नहीं, रास्ते का पता नहीं और अंजाम की फिक्र नहीं। मुझे झुरझुरी आ गई। ये तो भला हो इरम का, इसने मुझे वलीद से मिलवा दिया। साल पहले मैं कोर्स के सिलसिले में यूरोप गया था तो मेरी मुलाकात वहां इरम और इसके शौहर से हुई। इंतहाई नफीस लोग, एक आर्टिस्ट एक माशियात का माहिर, दोनों अपने अपने शोबों में पढ़ाते थे। 6 हफ्ते के दौरान हम इस तरह घुल मिल गए कि एक घर के फर्द लगते। वहीं मुझे वलीद के बारे में मालूम हुआ। इरम की जुड़वा बहन रीमा वलीद की यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थी। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। ग्रेजुएशन के बाद रीमा की शादी हो गई और वलीद नौकरी के लिए यूरोप चला गया। रीमा की शादी ना चल सकी। जिस्म पर मारपीट के दाग, दामन पर तलाक का दाग और किरदार पर कीचड़ के दाग। 2 साल के अंदर अंदर लड़की दागी हो गई। वलीद उन्हीं दिनों पाकिस्तान लौटा था। घर में शादी का मौजू गर्म रहता था। इसने रीमा से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वलीद का खानदान तामीराती सामान के कारोबार में मुल्की सतह पर एक जाना माना नाम था। घर में तो समझो एक भौंचाल आ गया। एक औरत जो तलाक याफ्ता भी हो, एक बच्चे की माँ भी हो, इसको कैसे वो अपने लाडले होनहार बच्चे की दुल्हन बना देता। इसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे में कोई नुक्स होता तो मैं आपकी तलाक याफ्ता बेटी से इसकी शादी का सोचती थी। वो लंगड़ा है, काना है, माजूर है। इरम की आवाज कहानी सुनाते हुए कांप रही थी। हम ऐबों की बार्टर ट्रेड करने वाले लोग हैं, इसलिए बहसियत मजमूई हम नाखुश रहते हैं। खूबियां ढूंढें तो दूसरों में खूबियां दिखें ना, हम ढूंढते ही कमियां हैं और खुद हमारी जात में कोई कजी हमें नजर नहीं आती। सो हिसाब कभी बराबर बैठता ही नहीं है। हम अपने अपने जोमे बर्तरी की सलीब उठाए तन्हा फिरते रहते हैं। रीमा क्या चाहती थी, मैंने इरम से पूछा। इज्जत। वो इतना थक गई थी वक्त के तराजू में अहल पाए जाने के लिए तुलते तुलते कि इसको वलीद के नाम से वहशत होने लगी थी। 1.5 साल ये तमाशा चलता रहा। वलीद के लिए रीमा और वालदेन की रजा दोनों अहम थे। पहले वालदेन नहीं मानते थे, फिर आखिर रीमा ने इनकार कर दिया। वो वलीद से इस पूरे किस्से से कोई वास्ता न रखना चाहती थी। वलीद के वालिद ने कहा वो आइंदा रीमा का नाम अपनी जबान पर नहीं लाएगा। वलीद मान गया। हालात अपने हक में देख के उन्होंने इसका रिश्ता अपने किसी जानने वाले की भतीजी से तय करना चाहा तो बात बिगड़ गई। वलीद इस पर तैयार नहीं था। अगर ये शादी नहीं करनी तो अभी इस घर से दफा हो जाओ, उन्होंने शर्त रखी। जानते थे कि हुक्म अदूली इसकी सरिश्त में नहीं, सो इसने इनकी शर्त मान ली। उसी रात घर छोड़ दिया। इतने साल गुजर जाने के बाद भी इरम के शौहर असद ने वलीद की सुनगुन रखी थी। गुंजलक ताल्लुकदारी के बावजूद वो दिल से वलीद को पसंद करता था। इसने मुझे पता दिलवा दिया। मिल उसे जाकर, और कुछ नहीं तो दुनिया को एक मुख्तलिफ लेंस से देखने का मौका मिलेगा। और यूं मैं एबटाबाद वलीद से मिलने चला आया। नामवर खानवादे का चश्मो चराग, फॉरन क्वालिफाइड, दुकान में जूतों पर झाड़न मारता नजर आए तो हैरत तो बनती है ना। मजे की बात यह है कि मैं कितनी ही मर्तबा ये मंजर देख चुकने के बावजूद हर बार हैरान होता और वलीद मेरी हैरत से हर बार महसूस होता। Do you know what actually bothers you? एक दिन इसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा था। What? मैंने कंधे उचकाए। The idea that your concept of binary definition of success could be wrong. The possibility that there could be a whole world yet unknown to you. That bothers you.
फिर वो धीमे से मुस्कुराया। खुद को आजज समझने से घबराते हो, अपने इल्म की महदूदियत को कबूल कर लेने से खाइफ हो। ना डरो, हैरत और आजजी तो ईमान की बड़ी गहरी सहेलियां हैं, बड़े काम की चीजें हैं। मैं खामोशी से पेशावरी कहवे की चुस्कियां लेता गया। कुछ माह पहले एक दिन इसी मौजू पर फिर बात छिड़ गई। मैं इसके तर्ज जिंदगी को गैर माकूल गिरदान रहा था, वो मुझे ऐसे पुचकार रहा था जैसे किसी बच्चे से मुखातिब हो। मैं मजीद चिढ़ रहा था। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे दिल से तुम्हारे खलूस का कायल हूं, इसलिए इस मौजू पर तुमसे मुकालमा हो पाता है, वरना मैं इस बारे में किसी बहस में नहीं उलझता। तुम समझते हो कि मैं जिंदगी जाया कर रहा हूं। ऐसा तुम इसलिए समझते हो क्योंकि तुम्हारी और मेरी प्रोडक्टिव लाइफ की तारीफ बहुत मुख्तलिफ है। तुम कॉर्पोरेट लाइफ या कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी की रैट रेस को प्रोडक्टिविटी गिरदानते हो, मैं नहीं गिरदानता। तो फिर तुम किस चीज को प्रोडक्टिविटी की मिराज मानते हो, मैंने तड़क कर कहा। शुक्र की तारीफ को, तौफीक को, लालकुम तश्करून के एजेंडे को। मैं भौंच का रह गया। अब आगे क्या कहता? वलीद मेरे तासुरात से बेनियाज बोलता चला गया। सो आई डू वट कीप्स मी मोस्ट अलाइंड विद दैट एजेंडा। आसाइश, अमारत, तवन्नगरी अगर शुक्र की तौफीक के पैमाने होते तो ईमान लाने वालों में हर दौर में उमरा सबसे पहले होते। ये सब बेमानी सोशल स्टैंडर्ड्स हैं। जस्ट डू व्हाट मेक्स यू मोस्ट ग्रेटफुल, मोस्ट माइंडफुल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। और फिर इस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी इसकी चॉइस ऑफ लाइफ पैटर्न पर एतराज नहीं किया। मैं 99 के चक्कर में फंसा एक दुनियादार, मैंने कौन सा शराबे तशक्कुर चखी थी जिसके सरूर पर शक करता। यूं अनजाने में ही मेरे बुताने बाइनरीज़म में तड़ेड़ पड़ने लगी। वो क्या भली बात कह गए हैं जमाल एहसानी, ये बात तेरे इश्क ने समझाई कि दुनिया कुछ और है महरूमों मुयस्सर के अलावा। मैं गहराई नहीं रखता, मेरे दुख सुख लाग लगाओ वसवसे और यकीन नुमा गुमान सब छलकते फिरते हैं। सो अब जहां गहराई का इम्कान नजर आ रहा था मैंने डेरे डाल दिए थे। कुछ ना कुछ फैज हाथ लग ही जाएगा, उम्मीद भी तो ईमान ही का एक दर्जा है ना। ऐन मगरिब के वक्त में जुफ्त सास पहुंचा, अफ्तार का दस्तरखान लग रहा था। हाजरा बीबी एक फालतू बंदे को दस्तरखान पे देख के बिल्कुल बदमजा ना हूं, बड़े काम की खातून है हाजरा बीबी। शुरू में ही वलीद को मिल गई थी, इनका शौहर मोची था। वलीद ने उसको दुकान पे मुलाजिम रख लिया और बीबी को घरदारी सौंप दी। बीबी कुछ साल बाद बेवा हो गई, लेकिन यहां इनकी रोजी रोटी का वसीला यूं जुड़ा था कि आज तक कायम था। बीबी की बेटी की शादी पिछले साल ही हुई थी, बेटा नष्ट में पड़ रहा था। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे पूछा, खजूर और शरबत से रोजा खुलवाया, ताजा चपाती और अरवी गोश्त का मजा ही और था। थोड़ी देर बाद मैं पांव पसारे नींद से चूर था। बच्चे सब खुशी खुशी अपनी किताबें लेकर जा चुके थे, बस काशिफ का इंसाइक्लोपीडिया रह गया था। काशिफ नजर नहीं आ रहा, घर गया है मिलने, मैंने पूछा। अब ये काशिफ उसी बच्चे की बात हो रही है जो यहाँ वलीद के घर में सबसे छोटा 11 साल का है, जिसके वालदैन हयात हैं और जिनको महाना वजीफा मिलता है, और वो गदागरों का लड़का है। घर नहीं गया, घर वालों के साथ गया है, वलीद ने रसान से जवाब दिया। कहाँ? लाहौर हैं। मैं उठ बैठा, क्यों? रमजान में जाता है हर साल। लाहौर है या मक्का मदीना जो रमजान में सवाब कमाने जाता है खानदान? वलीद मुस्कुरा दिया। सवाब नहीं कमाने जाता, बस कमाने जाता है। ईद से पहले हर साल ये एक महीना काशिफ घर वालों के साथ लाहौर जाता है। अजीब मुसीबत है वलीद से कोई जवाब उगलवाना। अब मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा, क्या करते हैं लाहौर जाकर? भीख मांगते हैं, उसी सुकून से जवाब आया। चंद लम्हे खामोशी से रींग गए। तुम जाने देते हो? मैंने बेयकीनी से पूछा।
खुले आसमान छत पर चारपाइयों पर लेटे थे। वलीद ने आसमान की तरफ देखते हुए लंबा सा हुनकारा भरा। क्यों? मैंने पूछा। वो मेरी तरफ करवट लेकर बताने लगा, बहुत सी वजूहात हैं। अव्वल, वो इसके वालदैन हैं और मेरी पसंद नापसंद से ज्यादा उनकी रजा का वजन है। मैं उसका उस्ताद हूं, मैं उसके लिए कैसे रिश्तों को आजमाइश बना दूं? जो उस्ताद इल्म हासिल करने वाले का अदब कर ना सके वो खाक उस्ताद हुआ। दोम, मेरा काम उस बच्चे को इजाजत देना ना देना नहीं है, मेरा काम उसको अपना फैसला खुद करने की स्टेज तक पहुंचने के लिए शौक करना है, वो मैं अपने तय कर रहा हूं। और सोम, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं हुआ तो ये काशफ का आखिरी ऐसा फेरा है। अंधेरे में भी इसके लहजे में मुस्कुराहट की झलक दिख रही थी। तुम्हें कैसे पता? इसलिए कि अब की बार वो सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि इससे इनकार हो नहीं पा रहा था। इसका दिल नहीं मान रहा था, दिमाग नहीं इजाजत दे रहा था, लेकिन अभी अपनी राय अपनी दलील पर भरोसा नहीं है इसे। मुझे है, अगले साल खैर से 12 बरस का हो जाएगा, मेरे रब का करम शामिल हाल रहा तो अगले साल ये अपने बहन भाइयों को भी रुख लेगा। इतना यकीन? मैं उसके फखरिया लहजे पर मुस्कुरा उठा था। बात मेरे यकीन की नहीं है, अल्लाह की रजा की है, और अल्लाह की रजा से मुझे बड़ी उम्मीद है। काशिफ माशाल्लाह बहुत रोशन है, अल्लाह भाग लगाएगा इसे। तुम्हें पता, मैंने इसके साथ जाने से पहले गुफ्तगू की आदाब के बारे में। मांगने के आदाब? मैंने ठट्ठा उड़ाया। नहीं, सवाली को जवाब देने के आदाब। बात रूल्स ऑफ बिजनेस समझने की है। सो मैंने इससे कहा, बेटे जो मर्जी करो लेकिन करो तरीके से, सलीका नजर आना चाहिए। मांगने का सलीका? मैं फिर हंस पड़ा। ट्रांजैक्शन का सलीका, मांगने के आदाब के बारे में वो मुझे सिखाएगा वापस आकर। अभी तो मैंने ब्रीफिंग दी है सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि जिससे वो इंगेज कर रहा है वो अपनी ट्रांजैक्शन में वर्थ वाइल है भी या नहीं। वाह, क्या शहाना अप्रोच है, गदागरी में भी आपने रेवेन्यू मॉडल बना लिया है। मैंने इसकी डिग्री के हवाले से चोट लगाई। वलीद की आंखें अंधेरे में चमक उठी। बस उसे वर्थ फाइल ट्रांजेक्शंस की पहचान हो जाए। एनलाइटन मी? वलीद चारपाई पर चौकड़ी मारकर बैठा। जब हम किसी से भीख मांगते हैं ना, या सवाल करते हैं, कोई हाजत पेश करते हैं या कोई दरखास्त करते हैं, तो दरअसल हम मर्तबों की एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। हम इस बाहमी फर्क के बारे में इसरार कर रहे होते हैं। हम ये साबित कर रहे होते हैं कि हम मनचाही नेमत के कमतर मुकाम पर हैं और दूसरा बढ़तर मुकाम पर है। दूसरे की बर्तरी इस मुकाम पर हमसे इस कदर ज्यादा है कि वो अपनी बर्तरी में अता कर देने के दर्जे तक पहुंचा हुआ है, और ये कि अता कर देने से उसकी शान में कोई कमी वाकई नहीं होगी। हम उससे ये यकीन रखते हैं कि जब हम अपना हाथ उसके आगे फैलाएंगे तो वो हमारी जरूरत पूरी करेगा। यह है पहला बाब। अब जिससे सवाल किया गया है वो इस यकीन को किस तरह सराहता है, इसकी कुदरत और जर्फ दोनों का इम्तिहान होता है यहाँ पे। बहुत से लोग अता की कुदरत नहीं रखते पर जर्फ रखते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कुदरत रखते हैं मगर जर्फ से महरूम हैं। बहुत से दोनों से महरूम हैं। और उनका क्या जो दोनों कुदरत और जर्फ रखते हैं? मैंने बीच में टोका। उनसे तो सवाल किया ही नहीं जाता, उन्होंने बिन कहे अपने जिम्मे अता ले रखी होती है। सवाल तो आजमाइश है, इम्तिहान है, बेखबर को होशियार करने वाली घंटी है। जागो, खबरदार हो, तुमसे उम्मीद लगाई गई है, तुम्हें काबिल समझा गया है। अब जो कुदरत नहीं रखता पर जर्फ रखता है, वो काबिलियत के इस दावतनामे पर आजजी से दोहरा हो जाएगा। अता करने का मौका हो और अता करने की तौफीक ना हो,
भला इससे बड़ी और क्या कम नसीबी हो सकती है? आप मालिक की नकल कर सकते थे, नहीं कर पा रहे, वाय महरूमी। सो वो कसरे नफसी से खुद को इस सिचुएशन से मिन्हा करता है, माजरत तलब करता है, शर्मसार होता है, अपना छोटे पड़ जाने पर नादिम होता है। इसे बर्तर माना गया, सिर्फ यही एहसास आजजी का सोता बन जाता है। जो कुदरत रखते हैं मगर जर्फ से महरूम है, वो क्या करते हैं फिर? फेल हो जाते हैं, फिर भी फेल हो, रोक कर भी फेल हो जाते हैं। जो नखुवत से अता कर देते हैं, सवाली का सवाल पूरा कर देते हैं, वो उस पूरी ट्रांजैक्शन को और इसका प्रोटोकॉल समझे बगैर, इस सिचुएशन में अपने किरदार को जाने बगैर मौका जाया कर देते हैं। वो ये दर्क कर ही नहीं पाते कि उनको देने की तौफीक देकर ऊपर वाले ने उन पर नवाजिश की है, बंदगी का दर खोला है। वो अपनी बेनियाजी की धुन में इतने मगन होते हैं कि किस वक्त तकब्बुर की पटरी पर चढ़े उन्हें पता ही नहीं चलता। सो उनका देना भी उनकी चार्जशीट का हिस्सा बन जाता है। रह गए वो जो झड़क कर देने से इनकार कर देते हैं, उनका लहजा उनके तकब्बुर की गवाही बन जाता है। अच्छा, अब वो वाली टाइप रह गई जो कुदरत से भी महरूम है और ज़र्फ से भी, उसका क्या बनता है? मैंने पूछा। मेरे वाला हाल, वलीद अजीब से पुरतासुफ अंदाज में मुस्कुराया। जो लोग किसी भी ट्रांजैक्शन में ना देने की कुदरत रखते हैं ना ज़र्फ, वो दूसरे इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनते हैं। और वो इंसान जो दूसरे इंसान के लिए आजमाइश बन जाए, उसका क्या बनना है? यह शैतान का वादा था इंसान को रब की राह से भटकाने का। अगर आपका तर्ज अमल ऐसा हो जाए कि आपकी वजह से कोई शुक्राने की कैफियत से दूर हो जाए, आपकी वजह से रब से नाखुश हो जाए, तो बंदे तू ते खे खट्टी फिर दुनिया च, लखती लानत एहो जे जीवन ते। क्या मतलब? कुछ नींद का गलबा था, कुछ ये एहसास के बाद की नौयत बदल गई है, मैंने हवनकों की तरह पूछा। बात बहुत सादा है यार, बात यह है कि जब कोई सवाल करे या आपसे उम्मीद बांध ले, तो इसने आपको एक मर्तबा अता कर दिया है। अब अगर आप में इस मर्तबे के मुताबिक देने की इस्तेआत नहीं है, या हालात आपकी शॉर्टकमिंग्स इजाजत नहीं देती, तो इस बात का एहसास आपके सर को झुका देना चाहिए। अगले ने आपको दाता माना, आपकी पहुंच आपको दाता बनने की इजाजत नहीं देती। फाइन, आजजी से, शर्मसारी से अपना आप छोटा पड़ने पर माजरत तलब कर लेनी चाहिए। महदूद साबित होने वाले के पास शर्मिंदा होने के अलावा क्या चारा है? शैतान आदम को सजदा करने के मामले पर छोटा पड़ गया था, फिर अकड़ गया अपने ज़र्फ की तंगी पर। दे सकने की सकत होना ना होना काबले गिरफ्त नहीं है। दे सकने या ना दे सकने को अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करना, ये काबले गिरफ्त है। जो देते हुए शुक्र गुजार ना हो और मना करते हुए शर्मसार ना हो, ऐसी ट्रांजैक्शन वर्थवाइल नहीं। ये समझाया था मैंने काशिफ को। हम दोनों के दरमियान खामोशी बुगन बेलिया की बेल की तरह फैल गई। काशिफ को समझ आ गई ये बातें? चंद लम्हों बाद मैंने पूछा। शायद वो चादर ओढ़कर लेट गया। इल्म के अव्वलीन असबाक में से एक तवक्कुफ है, समझ, दानाई, होशमंदी कयाम के साथ मशरूत हैं। अगर आगे बढ़ने को सरपट नहीं भागेगा तो इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। ठहराव शर्त है बंदगी की, और बंदगी ही तो जिंदगी है। अजीब बंदे हो यार, मैंने प्यार से इस खिचड़ी सर वाले वलीद को देखा जिसको समझना मेरे बस से बाहर था। वलीद हंस पड़ा। तुम अगर इंसानों का खोज लगाने की ख्वाहिश को एक लम्हे को साइड पर रख दो तो तुम्हारा बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। रेतने के लिए कायनात का निजाम है, इंसान को क्या खोजना।
इंसान को ना खोजूं तो फिर क्या करूं? इंसान से सिला रहमी करो, इसकी जात से बेनियाज होकर। माबूद ने जिस तखलीक को अब्द का स्टेटस दे दिया, तुम में कौन है उसमें टो रखने वाले? अपना काम तो सिर्फ बंदगी है, अनकंडीशनल सबमिशन है। सबमिट कर देने से ही तो जिंदगी में रोमांस पैदा होता है। मैं एबटाबाद के तारों भरे आसमान को देखता रहा। नूरी साल के फासले पर दमकते इन तारों की रोशनी क्या इतना सफर कर पाती है जितना कयाम का मर्तबा समझ लेने वाली रूह? क्या ये तारे उतने ही रोशन हैं जितनी माबूद के सामने सपुर्दगी से सरशार हूं? क्या मेरी रूह इस वर्थ वाइल ट्रांजेक्शन वाले रब को कभी पहचान पाएगी? कौन जाने, कौन जाने। बहुत शुक्रिया। कौन से साथ मेरा ख्याल है, मैंने वक्त काफी ले लिया। नहीं, बड़ा ही चंगा लगा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹਸਤੋਨੀ ਦੀ ਕੋਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਉਣ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਤਾਰੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੀਨਾ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਕਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਖਤੇ ਮੇਂ ਆ ਗਏ ਸਭ ਸਿਸਟਮ। ये फायदा होता है अगर घर से कोई देख रहा हो तो। स्टोरी बहुत ब्रिलियंट, माशाल्लाह, अमेजिंग। आपने तो बड़ा ही इंप्रेस कर दिया। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। करुण जी, हाँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मेरा नाम आमना भट्ट है और अक्सर यहाँ पर हस्तनीस की अक्सर सिटिंग्स के अंदर रूमी के हवाले से कुछ ना कुछ रीड करती रहती हूँ, स्पेशली दीवान शम्स में से। तो आज जो सिलेक्शन की है वो एक बड़ी स्पेशल बुक है, उसका नाम है गुलशन-ए-राज। और ये जो है ये शेख महमूद शबिस्तवी की किताब है और 1311 में उन्होंने लिखी थी इन रिस्पॉन्स टू सर्टन सूफिक मिस्टिक क्वेरीज। और ये कवर करती है कुछ सूफीज्म के मेटाफिजिक्स को। तो इसके ऊपर कुछ सवाल किए गए थे तब्रेज के कुछ उलमा ने किए थे और उसके जवाब इसमें से हैं। इसमें शबिस्तवी इज वेरी इंस्पायर्ड बाय इब्न अरबी एंड आल्सो मौलाना रूम। सो आज हम जो है एक सवाल है जिसके अंदर वो पूछते हैं कि बिलावेड, व्हाट डू यू मीन बाय द बिलावेड्स आई एंड व्हाट डू यू मीन बाय द बिलावेड्स लिप। तो ये डिवाइन के बारे में बात है, जिस तरह महबूब की खसूसियात के बारे में बात की जाती है, तो ये उनके उन चीजों के बारे में बात है। तो आए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या फरमाते हैं शबिस्तवी। कहते हैं जी, इंडिकेशन ऑफ द आई एंड द लिप ऑफ द बिलव्ड। सी व्हाट प्रोसीड्स फ्रॉम द विटनेसिंग आई, कंसिडर देयर एट्रीब्यूट्स इन दिस प्लेस। From his eye proceed infirmity and intoxication. From his ruby lips is the essence of being. Because of his eye, all hearts are burning. His ruby lip is healing to the sick heart. Because of his eye, hearts are drunken and aching. By his ruby lip, all souls
unclothed. Though the world is not regarded by his eye, his lip ever and soon shows compassion. Sometimes with humanity, he charms our hearts. Sometimes he grants help to the helpless. By smiles, he gives life to man's water and clay. By a breath, he kindles the heaven into a flame. Every glance of the beloved's eye is a snare baited with corn. Every corner thereof is a tavern of intoxication. With a frown, he lays waste the creature world. With one kiss, he restores it again the next moment. Because of his eye, our blood is always boiling. Because of his lip, our souls are ever beside themselves. By the frown of his eye, he plunders my heart. By a smile on his lips, he cheers my soul. When you ask me of his eye and his lip, an embrace they are. One says, nay. The other says, yea. By a frown, he finishes the affairs of my world. But by his kiss, he ever and soon revives my soul. One frown from him, and we yield up our lives. One kiss from him, and we rise again. As the twinkling of an eye comes from the last day, by the breath of the beloved, the spirit of Adam was created. When the world finally reflects on his eye and his lip, it gives itself up to the worship of this intoxication. All existence is not regarded by his eyes. They regard it only as the illusion or a dream. Man's existence is but intoxication or a dream. What relation does the dust bear to the Lord of the Lords? Reason draws 100 perplexities from this, that he said, thou mightiest be formed after mine eye. This is the end. बहुत खूब भाई क्या बात एक फांसी भी तो बाद में शेयर कर देंगे भी ना ठीक है फांसी है तो बाद में ना शेयर तो शेयर कर दें तो ही तो ओ नॉन वेलकम कर दियो आमन सारा को सारा आप ऑनलाइन आ गई आवाज आ रही है आई आई अब आप लोगों को आवाज आ रही है जी 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 बिल्कुल मच ऑडिबल ना आज हमने बहुत ही जबरदस्त मेरा तारुफ मैं जी हस्तुनीस की स्टूडेंट हूँ और आजकल मैं अमरीका में हूँ और मेरा बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है सूफीज़म में और पोइट्री में तो इसीलिए स्पेशली पंजाबी पोइट्री में तो आज के लिए मैंने एक शाह हुसैन की मातुलाल हुसैन की काफ़ी है जो मैं पढ़ूंगी मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बट आई ट्राई माय बेस्ट तो बेसिकली ये छोटी सी काफ़ी है तो मैं शुरू करती हूँ
मियाँ गल सुनी ना जांदी सच्ची, सच्ची गल सुनीवा की कर क्यों कर, कच्ची हड्डा विच रची, मियाँ गल सुनी ना जांदी सच्ची, सच्ची गल सुनी तनाहा चिंग जिना तन मची, पर्दा सा डिठोने प्रीतम धुत मोए सब पच्ची, मियाँ गल सुनी ना जांदी सच्ची। जहरी नाग फिरन विच गलियां, जहरी नाग फिरन विच गलियां, सो लड़ लगी सो बची, कहे हुसैन सुहागन साईं जो गल थी वांदी नची, मियाँ गल सुनी ना जांदी सच्ची। इसकी मैंने एक्चुअली एक ट्रांसलेशन रफ की थी हमारे लिए, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें साथ साथ चल रही थी, लेकिन इसके अंदर बेसिक इसका जो थीम है इस काफी की वो ये है कि जिस तरह की हमारी दुनिया है उसके अंदर जो डिवाइन रियलिटी है या जो ट्रूथ है वो उसके अंदर एक हम एक ऐसी लेवल पे हैं कि जो अब सुना ही नहीं जा सकता। तो इन मेनी वेज जो दुनिया है एक इनवर्स उस पे चल रही है, जो दुनिया की वैल्यूज हैं वो बिल्कुल इनवर्स हैं टू ट्रूथ एंड डिवाइन रियलिटी। तो बेसिकली शाह हुसैन के भी वक्त में ऐसा था और आई थिंक आज के भी वक्त में ऐसा, तो इसलिए काफी रेजोनेंस है इनकी बात की। तो अब मैं एक लाइन बाय लाइन कर देती हूँ। तो मियाँ गल सुनी ना जांदी सच्ची, तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये वो वक्त है जिसमें सच आप सुन ही नहीं सकते, और आप क्यों नहीं सच सुन सकते, क्योंकि आपकी हड्डियों तक में जो है ना झूठ वो रसक हो चुका है या बस चुका है। तो इसलिए हमारे अंदर वो सच सुनने की कैपेसिटी ही नहीं रही। आगे वो कहते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो सच सुन सकते हैं, लेकिन खाली वो लोग हैं जिनके अंदर उस एक चिंगारी है, लाइक सच की चिंगारी है, वो इन अ वे वो उनके पूरे जिस्म को जला चुकी है, मतलब द ट्रूथ इन डिवाइन रियलिटी हैज सेट देम अ फायर अ लाइट बेसिकली। और उसके अंदर उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो सारा जो इल्यूजन है रियलिटी की, वो इल्यूजन का जो पर्दा है वो जल जाता है, एंड देन यू आर एबल टू व्यू डिवाइन लव एंड डिवाइन यूनिटी। तो पर्दा सार डिठोने प्रीतम, और जब वो हो जाता है, जब एक वेन्यू, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो जो रियलिटी की जो हमारी जो मटेरियल रियलिटी की इल्यूजन खत्म हो जाती है और आपको डिवाइन क्या कहते हैं डिवाइन रियलिटी नजर आ जाती है, तो फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको यू नो आपके खिलाफ हैं या आपको जो आपको गुमराह करना चाहते हैं वो सब हट जाते हैं। सो धुत मोए सो सब पची, वो शर्मिंदा हो जाते हैं, यू नो दे सी के दे कैन नॉट लीड यू अस्ट्रे। सो जहरी नाग फिरन विच गलियां, मतलब ये वही है कि आपके इर्द गिर्द हर तरफ से झूठ और यू नो ऐसी चीजें हैं जो आपको दे कैन फिल यू विद लाइज या वो सब चीजें। सो लड़ सो बच्ची, सो शो अगेन इज दैट, मतलब ये वही है जो सच्चाई के साथ आप जुड़ गए या जो आपको नजर आ गई डिवाइन रियलिटी तो आप बच जाएंगे। कहे हुसैन सुहागन साईं, तो अब ये अपने आप को रिफर करें मोहद्दुल्लाल हुसैन, और कह रहे हैं कि बेसिकली असल में इस सिचुएशन में जो बंदा अपना गला कटवा लेता है वो ही मतलब इन अ वे अमर हो जाता है। जो लास्ट लाइन है, जो गल थी वांदी नची, तो गल आपका गला है और वाना उसको मतलब खत्म कर देना या खाली कर देना, और नची मतलब अमर हो जाना। आई डोंट नो कि अगर ये आप सही तरह मैंने एक्सप्लेन किया, बट और बहुत ही अप्रोप्रिएट है इस जमाने के लिए, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट जी। अच्छा, मैं अगर सारा काम कर रहे थोड़ा या एक दो मिनट समय दस सको कि माधुलाल हुसैन के बारे च, वो इत्थे लाहौर च ने कि किस टाइम ते ने लाहौर के पेट्रन सेंट है। उनका जो सबसे बड़ा लाहौर में जो मेला चिरागा होता है वो माधोलाल हुसैन की वो है क्या कहते हैं डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है।
उर्स होता है एग्जैक्टली. तो बेसिकली लाहौर को अगर आप जरा पहले ले जाएं तो अब लाहौर के पेट्रन सेंट कंसिडर किए जाते हैं क्या कहते हैं दाता साहब. लेकिन दाता साहब ने किताब भी लिखी और ये वो. लेकिन अगर आप माधोलाल हुसैन की जरा बैकग्राउंड देखें तो ये एक जुलाहे के बेटे थे. तो ये इधर के बहुत एक लोकल इंडिजिनस शायर और सूफी सेंट रहे. और इनका जो ताल्लुक था वो एक मेरे को जो याद पड़ता है इतना वो है मलामती ऑर्डर के साथ हैं ये, जो अपने आप को बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल सेल्फ इन अ वे के लोग आपको एक्सेप्ट ना करें, मतलब लोग सोसाइटी की पेरिफेरीज में ही रहते हैं ऐसे जो सेंट्स हैं. पर इनकी जो शायरी है वो बिल्कुल एक मतलब आम पंजाबी में है. एक बड़ा मशहूर बल्कि एक गाना भी है, माए नी मैं किन्नू आखा दर्द विछोरे दा हाल नी, ये भी माधो लाल की शायरी है. उसके अलावा क्या कहते हैं ये नी सईयों असा नैना दे आखे लगे, ये भी माधो लाल की शायरी है. तो मतलब इनकी शायरी एक ऐसी जुबान में है जो आम लोगों को समझ में आए आसानी से. और मतलब आई थिंक कि बहुत इनका मतलब पॉलिटिकल और वैसे क्या कहते हैं सामाजिक तौर पे भी बहुत काम था. अगर आप जरा हिस्ट्री में जाके देखें इनकी जो क्या कहते हैं जिस टाइम पे ये थे, मैं अभी एग्जैक्ट मैं मुझे याद नहीं, पर मैंने काफी इन पे रिसर्च की थी एट वन पॉइंट. तो मुझे इनकी शायरी बहुत पसंद है क्योंकि मतलब 5-6 लाइनों में ये सारी बात कर देते. चलो आज ते लगदा पया कि बड़े बड़े नशे वाली जी का सुनने पे सी ताडे कोलो भी लीना कोलो भी आमना कोल भी हुण देखने आ सानू ब्रिगेडियर साहब की सुनांदे ने. सर ओवर टू यू ब्रिगेडियर साहब. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीद है और मैं हस्तोनीस का स्टूडेंट हूँ, फारसी पढ़ रहा हूँ. उससे पहले और 2-3 कोर्सेज कर चुका हूँ. इस वक्त फारसी और कैलीग्राफी करने की कोशिश कर रहा हूँ. कैलीग्राफी ज़रा पीछे रह गई, फारसी आ गया. अब कौसर साहब ने मुझे कहा था कि कोई आप स्टोरी सिलेक्ट करें, क्योंकि कौसर साहब से ये काफ़ी मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ पिछले 4-5 महीनों से, 6 महीनों से जब से ये कौसर साहब ने एक मज़ेदार सिलसिला स्टार्ट किया हुआ. तो मैं तो उनका एक फैन के तौर पे जरूर उसमें शामिल होता हूँ. अब उन्होंने हुक्म दिया कि जी कि मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो फिर मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँ. अच्छा, जो ये मैं आपको ये शॉर्ट स्टोरी सुना रहा हूँ ये है क्लासिकल अरबिक स्टोरीज में से है. ये एक एंथोलॉजी है जो कंपाइल हुई थी अराउंड 2006 में शायद, और इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं. मैं आपको उसकी जो कॉन्टेंट्स हैं वो पढ़ के सुनाऊँ तो वो यू विल रियलाइज के ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके कॉन्टेंट्स. लाइक प्री इस्लामिक टेल्स हैं, टेल्स ऑफ द रूलर्स एंड अदर नोटेबल पर्संस, टेल्स ऑफ डेंजर एंड वॉरफेयर, टेल्स ऑफ रिलीजन, कॉमिक टेल्स ऑफ जुहा, अदर कॉमिक टेल्स, टेल्स ऑफ स्ट्रेंज एंड सुपर नेचुरल, बड़े मज़ेदार हैं इसके अंदर भी बड़ी चीज़ें. टेल्स ऑफ लव एंड एक्सेप्ट फ्रॉम 7 मेजर क्लासिकल वर्ड्स. तो ये मैं 7 मेजर क्लासिकल वर्ड्स में से एक स्टोरी मैंने तलाश की है और वो मैं आपको सुनाता हूँ. उसमें देर इज अ किंग एंड ही वॉन्ट्स एन एडवाइस ऑन सर्टन थिंग्स. तो एक फिलोसोफर को बुला के उससे पूछता है, टेल मी अ फेबल ऑफ अ मैन हु स्ट्राइव्स फॉर व्हाट ही नीड्स एंड देन स्क्वांडर्स एंड लूजेस व्हाट ही फॉट सो हार्ड टू गेन. यानी एक दफा मुझे उसकी स्टोरी सुनाइए कि जो एक बंदा जिसने बहुत कोशिश करके कोई चीज़ हासिल की और उसको स्क्वांडर कर दिया अपने जो इतने मुश्किल से हासिल किया, तो उसके ऊपर फिलोसोफर उसको एक कछुए और बनमानस की स्टोरी सुनाते हैं. तो वो ये बता रहा है कि जी कि एक बनमानस का बादशाह था जिसका नाम था वर्दीन. वो बूढ़ा हो गया. जब बूढ़ा हो गया तो उसको जो उसका नेक्स्ट राइवल था उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया और ये अपनी ट्राइब से निकल के एक जंगल के किसी कोने में जाके बैठ गया. और इत्तफाक से एक अंजीर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया और वहाँ अंजीर एक अंजीर खाता था और एक अंजीर जो नीचे दरिया बह रहा था उसमें फेंकता रहता. तो जो नीचे दरिया था उसमें एक कछुआ मौजूद था और कछुए ने वो अंजीर खाने शुरू कर दी. तो उसको ये कछुए को ये लगा कि बनमानस जो है उसको
उसको ये इंजीर जो है वो उसके लिए फेंकी जा रहा है, और इस तरह उसने उसके दिल में बनमानस के लिए बड़ी एक इज्जत पैदा हुई और उसने कहा कि मैं बनमानस से दोस्ती करना चाहता हूँ। तो उसने बनमानस को आवाज़ दी और बनमानस पहले ही बेचारा अपने ट्राइब से अलहदा था, ही हैड लेस्ट वेरी रिसेंटली लॉस्ट हिज किंगडम, तो उसको भी कोई दोस्त नहीं मिल रहा था, ऊपर से कछुआ उसने उसको आवाज़ दी और दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। अच्छा, दोस्ती इतनी बड़ी कि कछुआ अपना बहुत सारा टाइम बनमानस के साथ गुजारना शुरू हो गया और दोनों में दरिया के किनारे किनारे चलते रहते और वो दोस्तियाँ और जो जैसे तरीक़ेकार होता है बहुत सारा टाइम एक साथ बिताते रहे। इस तरह वक्त गुजरता गया और इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि बनमानस को ना अपने घर कछुए को ना अपने घर का ख्याल था ना किसी और का ख्याल था, और वो और बनमानस दोनों दरिया के साथ बैठ के पूरा टाइम गुजारते थे। और जो कछुए की मिसेज कछुआ थी लेट से, या जो उसकी बीवी थी, उसको परेशानी होना शुरू हो गई कि यार ये किधर जाता है, क्या परेशानी है, किधर सारा दिन गायब रहता है, कई कई दिन गायब रहता है। और फिर लोगों ने उसको बताया कि जी के उसने बनमानस से दोस्ती की हुई है और वहीं सारा टाइम गुजारते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो अंदर ही अंदर जो मिसेज कछुआ थी उसको गम होना शुरू हो गया और बहुत बीमार हो गया। अब उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं था, आसपास के पड़ोसी उसको कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह दे जाते थे, बट उसकी हालत कोई बिगड़ती चली जा रही थी। इसी तरह बहुत सारा टाइम गुजर गया, अचानक कछुए को अपने घर वालों का ख्याल आया कि यार मैं बहुत अरसे से घर वापस नहीं गया हुआ हूँ और मैं वहाँ जा के अपनी बीवी का हाल पता करूँ। जैसे आपको सारों का अंदाज़ा है कि दीज आर ऑल मेटाफर्स, जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये हमारे जैसे ईस्टर्न स्टोरीज का तरीक़ेकार होता है कि एक्चुअली दीज आर ऑल मेटाफर्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वो अपनी बीवी के घर कछुआ अपनी बीवी के घर बीवी को देखने के लिए पहुँचता है, और जब बीवी को देखने के लिए पहुँचता है तो उसकी बहुत करीब उलमर का हालत है और सब वो बड़ा परेशान हो के ये लोगों से पूछता है और किसी बुजुर्ग से पूछता है कि जी क्या अब इसका क्या इलाज है। तो उसने कहा कि जी कि इलाज तो अब और कोई नहीं सवाए एक इलाज है कि इसको बनमानस का दिल खिलाया जाए तो ये सेहतयाब हो सकती है। अब उसके दिल में ख्याल आया कि जी कि ये तो बीवी है मेरी, मेरी जीवन साथी है और मेरी जिंदगी मौत का साथ है, उसने इतना साथ दिया मेरा तो मुझे तो इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं कहीं से बनमानस का दिल लेके और उसको ला के खिलाऊ। अब उसको तो बनमानस दोस्त था उसका, अब वो बीवी से इजाज़त लेके फिर बनमानस के पास पहुंचता है और अब रास्ते में सोचता जा रहा है कि यार बीवी का बहुत हक होता है, दोस्ती तो होती रहती है, दोस्त जैसे भी हैं लेकिन एक जीवन साथी तो बिल्कुल एक जीवन साथी के तौर पे होता है, और पूरे दिन में उसकी जो अपनी वाइफ है उसके लिए लव अफेक्शन और जो ड्राइव है उसको तहत वो उसके दिल में इमोशंस आ रहे हैं और ही इज गोइंग बैक टुवर्ड्स द बनमानस। अब जब बनमानस के पास पहुंचता है तो अब उसको दिल में ख्याल आता है कि यार मैं अब कैसे इसको ल्योर इन करूँ, या मैं अगर डायरेक्ट इसको कह दिया तो ये तो भाग जाएगा, मतलब मैंने तो इसका दिल लेना है तो ये कैसे भाग, मतलब ये तो नहीं है, मतलब इन अ वे कि ये तो डर जाएगा भाग जाएगा। तो उसको बड़े प्यार से अब वो दोस्ती अपने उसके उसका एहसास दिलाता है कि हम दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और वो बनमानस भी हाँ में हाँ मिलाता है, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया जब पूरी मेरी ट्राइब ने मुझे निकाल दिया था और सब, और तुम्हारी दोस्ती में मैंने बहुत इंजॉय किया और मैं तुम्हें अपना पक्का सिंसियर दोस्त समझता हूँ और दोस्त को दोस्त के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। अब ये जब सारी बातें सुनता है तो कछुए के दिल में फिर ख्याल पैदा होता है कि यार मैं एक अच्छे भले जानदार को, अब मुँह से अल्फाज निकल रहे थे इंसान को लेकिन वो है तो बनमानस, तो वो मतलब एक अच्छे भले जानदार को मैं कैसे धोखे पे लेके जा रहा हूँ और उसका दिल पे दिल मुझे चाहिए। खैर वो इसी कश्मकश में उसको कहते कि देखो हमने इस इलाके में तो खूब सैर कर ली, तुम अब मेरे इलाके में चलो, वहाँ बहुत अच्छे दरख्त हैं, बहुत
फल हैं, बहुत ठंडे पानी के चश्मे हैं, तुम वहां बहुत इंजॉय करोगे और सारा कुछ करोगे और तुम्हें ल्योर इन कर रहा होता है। तो बनमानस कहता है ये बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और कछुआ बनमानस को अपनी कमर पर बिठा के अब दरिया में चल पड़ता है। अब सारे रास्ते में उसको ये कश्मकश है कि यार वो मैं बीवी का साथ दूँ और बनमानस से अब उसका दिल मांगूँ, या बनमानस की जो है दोस्ती उसको ख़त्म करूँ और उसको कहूँ कि मुझे अपनी जान दे दे। अब ये कश्मकश में वो अपनी उसकी जो स्विमिंग की रफ्तार है या चलने की रफ्तार है वो बहुत कम हो जाती है। तो बनमानस जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी कमर पे, उसको कुछ ख्याल पैदा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टॉर्टॉइस, कि ये क्या है कि ये अचानक बड़ी ये तेजी से स्टार्ट हुआ था और अब वो बिल्कुल स्लो हो गया है। तो उससे पूछता है कि भाई तुम्हें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना किस गहरी सोच में। इस जगह आके बनमानस जो है वो उसके नर्व्स जो हैं वो जवाब दे जाते हैं और वो कहता है कि देखो मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है। और हकीम ने बताया कि जी बनमानस का दिल चाहिए उसको और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपना दिल दे दो। अब बनमानस को एकदम सारा ख्याल आता है कि यार ये तो मेरी जान मांग रहा है, मतलब मैं तो अगर इसके साथ चला गया तो मैं तो हलाक हो जाऊँगा। वो कहता है कि अब उसके दिमाग में स्कीम आती है, वो कहता है कि जी कि देखो यार तुमने मुझे उधर क्यों नहीं बताया चलने से पहले, मैं तो अपना दिल उधर छोड़ आया हूँ। तुम्हें हमारी बनमानस की ट्रेडिशंस का नहीं पता कि जब वो लंबे सफ़र पे शुरू होते हैं तो अपना दिल पुरानी जगह पे छोड़ आते हैं। ताकि वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप दिल छोड़ आए। उनका देखो हम इसलिए छोड़ के आते हैं कि हमें कोई पता नहीं है कि हम कब अपने सफ़र से वापस हों, तो हम अपने घर में अपना दिल छोड़ के आ जाते हैं और तुमने मुझे उधर बताना था ताकि मैं दिल अपना साथ लेके आ जाता। तो अब जो टॉर्टॉइस है वो उसकी सिंसियरिटी या उसके अल्फाज के में फिर आ जाता है और फिर उसको वापस छोड़ा चलना चल पड़ता है उसके अपने जहाँ से मतलब जहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था, ताकि बनमानस अपना दिल उठा सके। जैसे ही वो किनारे पे चढ़ता है लगता है बनमानस छलांग लगाता है किनारे पर और दरख्त पर चढ़ जाता है। और अब वो जो कछुआ है वो इंतज़ार कर रहा है क्योंकि भाई आवाज़ देता है कि भाई तुम्हें दिल ले आओ वापस, अपना दिल लेके पहुँचो तुम। उसने कहा भाई दिल इधर रखा था, इधर रखा था, इधर रखा था, वो बहाने मार रहा है कि मैंने दिल कहाँ रखा था। तो टॉर्टॉइस उससे कहता है कि मुझे लग रहा है कि आपकी नीयत में कोई शक हो, मुझे कोई फतूर नज़र आने शुरू। उसने कहा मैं पागल हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, मतलब तुम मुझे मारने के लिए लेके जा रहे हो। तो इस पे फिर वो यहाँ फिर स्टोरी एंड होती है और वो फिलोसोफर बादशाह को बताता है कि देखो उसने एप को या बनमानस को उसने काबू कर लिया था, उसको लेके चल पड़ा था और अपने नर्व्स पे काबू नहीं रख सका और अल्टीमेटली जो उसने खजाना हासिल किया था उसने स्पॉन्डर ऑफ कर। दैट वाज द वन ऑफ द टेल्स जो मैंने पढ़ी और आई थॉट इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी हैं जो मतलब गाहे बगाहे शेयर हो सकती हैं, बट विद इन दोज 10 मिनट्स विच वॉज अलॉटेड टू मी आई थॉट दिस इज शॉर्ट इनफ एंड इंटरेस्टिंग इनफ टू बी टोल्ड टू एंड शेयर बाय यू आज। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना ऐसा लग रहा मैं पीछे किसी ने कोई भेजा कि हर बंदा जरा ना ओद हर वे एक बच्चा जरा ना कहानी सुना तलबगार हों शुक्रिया अदा करते हुए ना टाइम को थोड़ा मैं छोटी जी पेज दो पेज सिलेक्ट किए ने रमजान ने चूके तो बरकत आसे ना मौलाना रूम दे हवाले नु असि ना मसनवी जतन छोटी जी एक दो पेज दी मैं कहानी तुम सुना देना अगर तुसी ब्रिगेडियर साहब ताडे कोल इजाजत लैन तो बाद। अच्छा एक कहानी मैं सिलेक्ट करी है कीती है कि बड़ी अजीब गल है जेड़ी सारे ने भी गल कही है, तुसी भी गल कही है, दलीना ने भी गल कही है कि जी सही मशवरा देना जरा है
ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੇਗਾ ਮਗਰ ਤੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਇਤਫਾਕਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮਸਨਵੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਏਕ ਪਰਿੰਦ ਕੋ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਝ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿੰਦੇ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਤੂੰ ਖਾ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗਾਏ ਔਰ ਭੇੜੇ ਖਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਊਂਟ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਏ ਹੈ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਉਨਸੇ ਪੇਟ ਭਰਾ ਹੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜਜ਼ਾ ਸੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰੇਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜਵਾਨ ਸ਼ਖਸ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਬਦਲੇ ਤੁਝੇ ਤੀਨ ਨਸੀਹਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਝੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨਮੇ ਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਸੀਹਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਨਸੀਹਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਨਸੀਹਤ ਤੁਝੇ ਦਰਖਤ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨ ਤੀਨੋ ਨਸੀਹਤੋਂ ਸੇ ਨੇਕ ਬਖਤ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋ ਹੱਥ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਏ ਕੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਾਤ ਪਰ ਕਿਸੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਾਤ ਪਰ ਕਭੀ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਬ ਪਹਿਲੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੜ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਜਾ ਬੈਠਾ ਦੂਸਰੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਪਰ ਗਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਬ ਤੂੰ ਇਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਸ ਪਰ ਹਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਛੁਪਾ ਹੁਆ 10 ਦਰਹਮ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਕਾ ਏਕ ਨਾਦਰ ਮੋਤੀ ਥਾ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਾ ਨਸੀਬਾ ਥਾ ਵੋ ਮੋਤੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਨੇ ਵੋ ਮੋਤੀ ਖੋ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਂ ਨਾ ਥਾ ਔਰ ਜਿਸ ਮੋਤੀ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੂਦ ਮੇਂ ਨਾ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਮਲਾ ਔਰਤ ਜੰਨੇ ਕੇ ਵਕਤ ਫਰਿਆਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖਵਾਜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਥਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯੇ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਯੇ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਤੁਝੇ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਇਨ ਹੀਲੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ ਤੁਝੇ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਬਾਤ ਪਰ ਗਮਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਜਬਕਿ ਰਫਤੇ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਿਰਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਦੂਸਰੀ ਨਸੀਹਤ ਤੁਝੇ ਕੀ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹੀ ਸੇ ਕਭੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਾਤ ਕਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਨ ਦਰਹਮ ਵਰਗਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ 10 ਦਰਹਮ ਕਾ ਵਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਸਮਾਏਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਖਵਾਜੇ ਕੋ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੋਲਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪ ਤੀਸਰੀ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰਨੇ ਇਨ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਕੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦੂੰ ਉਸਨੇ ਯੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉੜ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰ ਚੱਲ ਦਿਆ ਮਸਤ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਗਲ ਕੀ ਤਰ ਜਾਨਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਦਾਨ ਜਾਹਿਲ ਕੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਨਾਦਾਨ ਜਾਹਿਲ ਕੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਰਸ਼ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਂ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹਮਾਕਤ ਔਰ ਨਾਦਾਨੀ ਕਾ ਚਾਕ ਰਫੂ ਕੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸਮੇਂ ਦਾਨਾਈ ਕਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਹਿਲ ਜਹਿਲ ਕਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਬ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰੇਗਾ ਵੋ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਏਗਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਸੀਹਤ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਟਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਆਮਨਾ ਬਾਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ Thank you.